द पॉलिटिकल इंद्रजीत एक बार फिर अपना ब्लॉग में सबको स्वागत करता है। दोस्तों, टुडे लेट अस नो अबाउट वेगस नर्व। ये वेगस नर्व क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे आज हम लोग। और वेगस नर्व जब खराब हो जाता है तो उसका सिम्टम्स कैसा होता है और उसको वेगस नर्व को स्टिमुलेट कैसे करेगा, फिर कैसे जिंदा करेगा आप लोग, या तो फिर प्रिवेंशन मेजर कैसे लेगा आप लोग वेगस नर्व जो है वो एक्टिव होने के लिए, उसका बारे में सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, नर्व्स वेगस नर्व्स में आने से पहले हम लोग नर्व्स का बारे में जानते हैं। नर्व्स क्या है? नर्व जो है वो नर्व्स आर लाइक यू नो केबल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बिटवीन ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये ऐसे बोलता है, नर्व्स जो है एक ऐसा केबल जैसा चीज़ है बॉडन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जो ब्रेन में मैसेज भेजता है, ब्रेन से फिर मैसेज जो सेंड करता है उसको, वहाँ से वो ये नर्व्स से चला जाता है वो सब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है। कोई कोई वो पजल होता है नर्व्स और ब्रेन में, ब्रेन अलग है, ब्रेन में तो खून का वो जो नली है उसको ब्रेन बोलता है और नर्व्स तो अलग है। वो नर्व्स जो है वो ब्रेन का वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है मैसेज जो है जाता है आता है वो है नर्व्स। तो हम लोग का टॉपिक है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व्स क्या है तो मैं बता दूंगा आप लोग को। वेगस नर्व जो है ना वो क्या होता है कि ये ब्रेन से शुरू होकर जो नर्व्स जो है ये पूरा यहाँ से पूरा कनेक्टेड होके हाथ में होके यहाँ से जितना बदन का जितना ऑर्गेन्स है हार्ट लंग्स वगैरह सब में जाके यह पूरा एक ये जो जाली जैसा वो जाल फेंकता है ना, वो जाल जैसा नेट जैसा एकदम यहाँ से पूरा कवर करके जितना ऑर्गेन है इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स है इसको कवर करता है वो नर्व्स। तो यहाँ का जो पूरा कनेक्शन है जो जैसे कि एक हार्ट बोलेगा आई एम ओके तो वो ब्रेन में पहुँच जाता है, हार्ट जो है ओके है, फिर ओके नहीं होने से भी फिर वही वेगस नर्व्स का द्वारा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चला जाता है ब्रेन में कि आपका हार्ट खराब है, या तो ब्रेन से मैसेज आता है वो कुछ ऑर्गेन्स में कुछ खराब है तो वहाँ से फिर मैसेज भेजता है। तो वही वो दोनों क्या होता है नर्व्स का द्वारा ये वेगस नर्व जो है इसको पूरा कवर करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेगस नर्व जो है। और ये भी कहा जाता है कि वेगस नर्व जो है ना वो ये का सबसे लॉन्गेस्ट नर्व्स होता है वो, उसको आप लोग जान लीजिए सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होता है वो। आप सोचिए ब्रेन से लेके वो कितना तक कवर करता है ऐसे नेट जैसा पूरा, सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होता है वो। तो चलिए जानते हैं उसका वेगस नर्व्स का जो फंक्शन क्या है उसको पहले जानते हैं हम लोग। उसका वेगस नर्व्स का जो फंक्शन है वो होता है वो क्या करता है कि वो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन सचेस योर डाइजेशन को भी वही फंक्शन करता है इसका। बट हार्ट रेट को भी फास्ट जो बीटिंग होता है ना आपका जो दिल का धड़कन उसको भी वही ये करता है वो कंट्रोल करता है वो। और इसके बाद आपका जो इम्यून सिस्टम, देखिए आप इम्यून सिस्टम को भी वो कंट्रोल करता है क्योंकि ये स्टमक यहाँ का जो आपका जो यहाँ तक चला जाता है तो जितना है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद उसका मेन एक फंक्शन है जो है वो हम लोग को क्या करता है, हम लोग का जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है ना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन कभी कभी होता है तो बहुत स्ट्रेस होता है उसको भी वो सेंड कर देता है ब्रेन में। तो वह ब्रेन से फिर जितना मदद करना है ब्रेन फिर मदद करता है उसको, तो समझ गए ना आप लोग। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी वो क्या करता है वो फाइट करने का रेस्पॉन्स भी देता है। इसके बाद वहाँ से ब्रेन से जितना जो मदद करना है वहाँ से मदद कर देता है वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए उसका फंक्शन जो व्यूअर्स, मैं तो डॉक्टर तो नहीं हूँ इस, तो फिर मैं अंदर तक नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं इतना बता दूंगा कि जब आपका वेगस नर्व जो है जब डैमेज हो जाता है ना तो क्या होता है ये सिम्टम्स दिखाई देता है, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, आपका जो वो साउंड बोली जो है वो ये हो जाएगा आपका, वो इधर बंद हो जाएगा या तो आपका बहुत डिफ़िकल्टी होगा, आप डिफ़िकल्ट महसूस करेगा आप बोलने में। इसके बाद आपका वॉइस भी चेंज हो जाएगा, आपका वॉइस जो है चेंज हो जाता है। इसके बाद आपका रिफ्लेक्स जो है लॉस हो जाएगा, जैसे कि रिफ्लेक्स नहीं होता है जो क्विक रिफ्लेक्स, आप यहाँ से कोई आपको भुलाए तो यहाँ से कोई बम फुटाए तो आप फटक से देखता है वो रिफ्लेक्स होता है, वो सब ये हो जाएगा, वो बहुत ये हो जाएगा, डल हो जाएगा आदमी का वो रिफ्लेक्स जो है। इसके बाद आपका बीपी जो है वो ज़्यादातर वो ये हो जाएगा, बहुत ये हो जाएगा, लो हो जाएगा, आप बीपी लो हो जाएगा। इसके बाद हार्ट बीट जो है वो कभी फास्ट होगा या तो कभी बहुत स्लो हो जाएगा। और चेंजेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम वो तो मेन है, और आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा नहीं होगा, आपका बहुत चेंज हो जाएगा, आपको आपको बार बार ये होगा डाइजेशन जैसे आपका होगा,
पूरा वगैरह वगैरह आपको बहुत ये होगा, प्रॉब्लम मिलेगा आपको। तो अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू स्टिमुलेट द वेगस नर्व्स, उसको अच्छा से एक्टिवेट होने के लिए, उसको अच्छा काम करने के लिए वेगस नर्व जो है उसको आप क्या क्या कर सकता है आप। तो सबसे पहले है एक्सपोजिंग टू कोल्ड वाटर। आप दिन में जैसे कि 3 बार कोल्ड वाटर से अपना चेहरा को वॉश कीजिए, चेहरा में फ्रेश वाटर कोल्ड वाटर से कीजिए, उसमें भी बहुत उससे भी बहुत आपका अच्छा होगा। इसके बाद ये जो डीप और स्लो ये नहीं होता कि ब्रीदिंग नहीं होता टेक्निक, वो वाला मुझे छोड़ना है, वो मॉर्निंग को कीजिए, इवनिंग को कीजिए, दिन को भी कर सकते हैं आप, उसको भी कीजिए। इसका बाद आप गाना सुनने का दिलों से गाना सुनिए, और गाना गाने का दिलों से गाना गाइए, डांस करने का दिलों से डांस कीजिए, वो भी बहुत मदद करेगा आपको जो वेगस नर्व जो डल हो गया उसको ये करने के लिए, फिर एक्टिवेट करने के लिए वो बहुत काम आता है वो सब। और मेडिटेशन तो बहुत अच्छा है, मेडिटेशन जो है बहुत अच्छा है, वो सबसे अच्छा चीज़ मेडिटेशन है, मेडिटेशन आप कर सकता है। इसका बाद आप जो है हंसना है, फिल्म जो मूवी देखने से भी आप हंसने वाला मूवी ज़्यादा देखना है, जो मूवी थोड़ा आपको हंसाता है, काफ़ी हंसना है, और लफिंग जो है बहुत अच्छा है। इसके बाद आप कान फान में जैसे कि जहाँ में ओमेगा 3 होता है उसको ज़्यादा खाना है, वो बहुत ये करता है, बोलता है इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग और ब्रेन का जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग है ना उसको बहुत वो अच्छा कर देता है वो ओमेगा 3। तो कौन कौन सा फूड में उसको मिलेगा आपको, तो आप उसको जानना चाहिए उसको भी, जैसे कि स्पिनेच हो गया, वो हो गया स्पिनेच हो गया, इसके बाद जो भी सीड्स हो गया और नट्स हो गया और बनाना हो गया, और ये आप जो आप अगर ये नॉन वेज है तो आप पोल्ट्री, ये सब ये कर सकते हैं, ये करता है मैंने, उसको मदद करेगा आपको खान पान में बोलने से। इसके बाद एक चीज़ है मसल्स, मसल्स बहुत ज़रूरी होता है, मसल्स जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद आप एक्सरसाइज तो आप करना चाहिए, एक्सरसाइज तो करता होगा, नहीं करने से भी शुरू कर दीजिए आप, जॉगिंग वॉगिंग कीजिए थोड़ा। इसके बाद कभी फास्टिंग भी रखिए, महीना में अगर सप्ताह में भी नहीं रख सकते तो महीना में 2 बार कम से कम रखिए, फोर्टनाइटली रखिए आप, फास्टिंग भी बहुत काम करता है उसमें। तो गाइस मैं दिखाने का कोशिश करूँगा यहाँ पर कुछ स्टिमुलेशन का टेक्निक, आप कैसे मसाज कर सकता है खुद अपना आपको। आप जैसे कि ऐसे पेट में ऐसे मारना, इतना जोर से भी नहीं मारना है कि पेट दर्द होगा, आप पेट में ऐसे मारना है तो उसमें जो नर्व्स है वो आ जाते हैं। इसका बाद आप देखिए सुबह उठ के वो जो आइज का उसमें आप उसे राउंड राउंड आप ये करना है उसमें, लेकिन आईबॉल में ताश नहीं करना है, हाँ आईबॉल में कभी ताश नहीं करना है। इसके बाद कान को भी आप ऐसे रबिंग करना है, सॉफ्टली करना है, मेरा इसमें थोड़ा दिखाई जा रहा है हम राब जैसा कर रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरा हाथ ऐसा है, सॉफ्ट कर रहा है, बहुत सॉफ्टली कर रहे हैं हम। इसके बाद उसमें भी जो आपका फेस है, फेस में भी आप खुद अपना ऐसे स्लेविंग करना है उसमें, और बहुत सा एक्सरसाइज है या टेक्निक है स्टिमुलेशन टेक्निक है जिससे आप जो मेगा नर्व को एक्टिव कर सकता है, जैसे कि आप पैर पैर का फुट को भी ये कर सकता है, मसाज कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना तक, थैंक यू।